आप लोग 10वीं पास है और आईटीआई कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में टेक्नीशियन की बड़ी भर्ती आई हुई है और ऑल इंडिया के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें फी कितना लग रहा है, जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा। इससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें। एक बात और फ्रेंड्स कहें तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपकी वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपको रिक्रूटमेंट इन सेल आईएसपी बर्नपुर में आपको है, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सेल जो कि आपका एक महारत्न कंपनी है, उन 8 महारत्न कंपनियों में से एक है दोस्तों, और यह एक बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है। और यह दोस्तों जॉब के मामले में या फिर जॉब प्रोफाइल के मामले में या फिर आपके सैलरी के मामले में गवर्नमेंट जॉब को भी यहाँ पे टक्कर दे देती है। तो दोस्तों इसी में आपके टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है जिसमें आपको दो वेरिएंट में मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों डिटेल्स ऑफ पोस्ट। तो पहला जो पोस्ट है आपका है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 126 है। और इसमें देखा जाए फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग 10th पास है और आपके पास आईटीआई की डिग्री है या फिर 10th पास है और आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो लोग 10th पास है, 10वीं पास है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स वीडियो के शुरू में ही बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे 10th पास साथ ही साथ आपको आईटीआई या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं, पहला जो आपका है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल से आप लोग किए हुए हैं तो यहाँ पे 36 पोस्ट है, सॉरी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 36 है जिसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया है सभी चीज। फिर मेटलर्जी से है आप लोग तो 35 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल से आपका 25 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन से 10 पोस्ट है, केमिकल से 5 पोस्ट है, सिविल से 10 पोस्ट है, सेरामिक से 5 पोस्ट है। और इसमें आपको क्या चाहिए दोस्तों कि आप लोग डिप्लोमा कर रखे हो, 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो 126 पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो वेरिएंट है फ्रेंड्स वो आपका है यहाँ पे जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसमें आपको 30 पोस्ट मिलता है और इसमें 10th के पास अगर आप लोग आईटीआई कर रखे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखिए फिटर के लिए आपका 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है, टर्नर के लिए 5 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है, मैकेनिस्ट सीएनसी के लिए 2 पोस्ट है। और इसमें आपको बताया गया है कि दोस्तों जो यूआर कैंडिडेट का 17, एससी का 6, हर कैटेगरी का अलग अलग बांटा गया है। एक सर्विस मैन का भी 4 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी ओएच का 3 और एचएच का 13, यानी टोटल 30 है। तो दोस्तों दो वेरिएंट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं टेक्नीशियन कि क्या क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो पहला पोस्ट था आपका दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का, इसमें आपको होना चाहिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास एंड 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर केमिकल या फिर सिविल या फिर सेरामिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि अगर आप लोग 10th पास हो उसके बाद डिप्लोमा आपके पास है इतना में से किसी में तो आप लोग ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वाले में अप्लाई कर सकते हो जिसका 129 पोस्ट है। और मिनिमम आप लोग जनरल कैंडिडेट ओबीसी हो तो 50% होना ही चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 40% होनी चाहिए आपको डिप्लोमा में। उसके बाद आगे देखते हैं जो दूसरा जो पोस्ट है आपका फ्रेंड्स अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का, इसमें आपको मिनिमम चाहिए तो मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आईटीआई की भी वहां पे होनी चाहिए, आईटीआई कर रखे हैं तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आईटीआई भी किस किस में, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, टर्नर में, वेल्डर में, मैकेनिक्स में, ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और इसमें एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों से किसी से भी आप लोग किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, दूसरा वाला फॉर्म को। अब एज क्राइटेरिया का देखा जाए तो जो काउंट होगा आपका 14/12/2018 से काउंट होगा और इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है इसके लिए आपका अपर एज है 28 साल, यानी 28 साल से ज्यादा वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें दोस्तों जनरल के लिए और बाकी ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए वहां पे छूट मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल जो आपको मिलेगी। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। इसमें देखिए एस
SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है, 28 5 33, यानी 33 साल के लोग हैं SC कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर सकते हैं, और OBC वाले 28 3 3 साल का दिया जाता है, तो 31 साल तक के OBC वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और PWD जो कैंडिडेट है तो 10 साल जनरल के लिए, 15 साल SC ST के लिए और 13 साल OBC के लिए, मतलब इस टाइप का आपका यहाँ पे मिलता है एज रिलैक्सेशन जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल बनाया गया है। अब यहीं पे दोस्तों नीचे कुछ एक्स सर्विसमैन और कुछ पॉइंट करके आपको बता दिया गया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं सिर्फ बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो आपका पे स्केल है कितना वेतन आपको मिलेगा ये बताया गया है। जो पहला आपका पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, तो इसमें आपको ग्रेड S3 से मिलेगा और पे स्केल आपको कितना है 16,800 से लेके आपको 24,110 रुपया तक आपको सैलरी इसमें मिलेगी। और दूसरा जो आपका है दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जो इसमें आपको 15,830 यानी 16,000 के आसपास से लेके आपको 22,150 रुपया तक आपको सैलरी मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी है फ्रेंड्स। उसके बाद इमोलुमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स में अगर आप लोग देखेगा तो गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है दोस्तों जो आपका इमोलुमेंट्स और अदर भत्ते जो कि मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, तो नीचे यहाँ पे आते हैं तो बताया गया है आपको कि कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, तो ट्रेनिंग आपका जब होगा उस समय भी आपको पैसा देगा, ऐसा नहीं कि फ्री में आपको ट्रेनिंग करवाएगा, आपको पैसा वहां पे मिलेगा ट्रेनिंग का भी। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है तो आपको पर मंथ 10,700 मिलेगा, और दूसरा साल का ट्रेनिंग कीजिएगा तो आप लोग 12,200 मिलेगा, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है तो आपको 8,600 रुपया मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, और आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा 10,000 रुपए ट्रेनिंग के दौरान, से दूसरा साल अगर ट्रेनिंग कीजिएगा तो वहीं पे। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, और उसके बाद जब जॉब लग जाएगी आपको तो जो फिक्स जो पेमेंट आपका बताया गया है यहाँ पे, ये आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों जब आप लोग कार्य करने लगेगा तो वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाइएगा, तो यानी कि ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें कैसे जाइएगा, तो इसमें तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।